Assalamu alaikum students, this is me Aslan, your mathematics teacher. I hope that you are fine and doing well. So students, in today's class we are going to learn about question number 2 of exercise number 15.1. और इस क्वेश्चन में हमें जो है वो क्वेश्चन 2 में एडजेसेंट ट्राइंगल हमें दिया गया है. इसकी हेल्प से हमने जो है वो क्या करना है, फाइंड द फॉलोइंग, मतलब कुछ क्वेश्चन दिए गए लाइक साइड मेजरमेंट एंगल ए और टेन मेजरमेंट एंगल बी और फॉसेट मेजरमेंट एंगल ए. ये अल्टरनेटिव पार्ट्स ऑफ 12 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के. कुछ मैंने किए, कुछ आप कीजिएगा, इजी है. जस्ट आपने क्या करना है कि फिगर को समझना है. यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर जो है उन्होंने मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल बी सी नहीं दिया, क्योंकि सी को उन्होंने हाइपोटेनियस का दावा है. और हाइपोटेनियस की डेफिनेशन है साइड इन फ्रंट ऑफ द 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनियस. और परपेंडिकुलर जो है वो एडजेसेंट जो है वो एंगल को हम कहते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग होता है वो बेस होता है. तो यहाँ पर क्या होगा कि जो है वो मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल बी के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहेगी, बाकी हाइपोटेनियस आपका दोनों कंडीशन में सेम रहेगा. क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते तो आपका जितने भी माइंड में क्वेश्चन थे क्लियर हो जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है साइन मेजरमेंट एंगल ए, पर उससे पहले फिगर को समझ लें कि अगर आप बात करते हैं मेजरमेंट एंगल ए की तो उसका मतलब क्या है कि 16 जो है वो परपेंडिकुलर होगा. और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे एंगल बी के हिसाब से, एंगल बी जो है वो हमारा एंगल बी के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा. तो फिगर समझने से बहुत ज्यादा जरूरी है. साइन मेजरमेंट एंगल ए सॉल्यूशन, साइन मेजरमेंट एंगल क्वेश्चन रिपीट किया, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के. अकॉर्डिंग टू ए अगर आप देखते हैं तो व्हाट इज आवर परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू ए 16 जो है वो आपका परपेंडिकुलर हुआ. और हाइपोटेनियस साइड इन फ्रंट ऑफ द 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनियस 20. सिंपलीफाई किया तो सिंपलीफाई करने से आपके पास आंसर आ जाता है 4 अपॉन 5. 4 के टेबल से 4 4 16 4 5 20. तो दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. और इसका 6th पार्ट है tan मेजरमेंट एंगल B. सॉल्यूशन क्वेश्चन को रिपीट किया, tan थीटा पता होना चाहिए, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो है B. B के रेफरेंस से देखें परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस इज योर B और साइड इन फ्रंट ऑफ द B इज कॉल्ड व्हाट परपेंडिकुलर. तो दिस टाइम आवर परपेंडिकुलर इज 12 और बेस जो के लास्ट क्वेश्चन में परपेंडिकुलर था वो 16 होगा. और ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का इसमें जिक्र नहीं है. व्हाट इज आवर बेस 16. सिंपलीफाई करेंगे 4 के टेबल्स अगेन 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16. 3 अपॉन 4 सिंपलीफाइड फॉर्म में, फर्दर सिंपलीफाई नहीं हो सकेगा. दिस इज योर आंसर. इसका जो है वो लास्ट पार्ट तो नहीं है लेकिन हमारी क्लास के लास्ट क्वेश्चन है कॉसेक मेजरमेंट एंगल ए. अब कॉसेक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉसेक इनवर्स एंगल है किसका, साइन का. तो जब ये साइन का इनवर्स एंगल है तो आप साइन को ध्यान में रखें. साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये भी ध्यान में रखें जो है कॉसेक इनवर्स है किसका, साइन का. तो इसमें क्या होगा, इसका रेशियो यहां परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है. तो अगर आप यहां देखें इनवर्स इसका रेसिप्रोकल किसका, साइन का हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉसेक होगा हाइपोटेनियस अपॉन साइन था आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉसेक होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. तो हाइपोटेनियस तो दोनों में ही सेम है, वो क्या है 20. बट अकॉर्डिंग टू अगर आप ए देखते हैं, ए के रेफरेंस से आपका जो है वो परपेंडिकुलर क्या आ रहा है 16. तो परपेंडिकुलर की जगह आप 16 लिखें, सिंपलीफाई करें. ये भी 4 के टेबल से 5 4 जा एंड 4 4 जा 5 अपॉन 4. दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. इसी तरीके से इसके जो है वो 12 पार्ट्स है, बहुत इजी है. फिगर जो है वो गिवन है, एडजेसेंट फिगर है. जस्ट इसमें क्या हो रहा है कि इसमें दो बस रोटेशन जो है वो फिगर्स है, क्या है कि एक ए और एक बी है, और दोनों ही कंडीशन में सी सेम है. अगेन मेरा फोकस फिगर के ऊपर है. अगर आप फिगर समझ सकते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ए की बात करते हैं तो ए के रेफरेंस से परपेंडिकुलर 16, और अगर गिवन है कि बी है तो बी के रेफरेंस से परपेंडिकुलर 12,
और जो ए था वो बेस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ए की बात करेंगे तो जो बी के सामने के लिए वो बेस होगा क्योंकि हाइपोटेनियस अंडर स्क्वायर दोनों में सेम है। सो दैट्स इट ऑल अबाउट दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। एंड टेक केयर।